जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्यफल का ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए 13 जून को जन्मे लोगों का भविष्य फल। सोमवार का दिन अनुराधा नक्षत्र सिद्ध योग और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है। आज के दिन जन्मे हुए बच्चे प्रतिभावान होंगे, शरीर की आकृति अच्छी होगी, सुंदर बनावट होगी। वहीं जो लड़कियां होंगी आकर्षक व्यक्तित्व की, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मस्तक, आकर्षक कदकाठी। जीवन के प्रारंभिक 14 वर्ष तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। प्रारंभिक जीवन में स्वास्थ्य का संकट, क्या करें, भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय। आज जिनका जन्मदिन है उनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष वाला होगा, लेकिन व्यवसाय में, नौकरी में और जीवन के हर मोड़ पर लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 8वें महीने में कोई धोखा दे सकता है, पति पत्नी के बीच संबंध भी खराब हो सकता है, व्यापार में हानि हो सकती है, लेकिन अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, यात्रा से लाभ होगा। आपका मूलांक 4 है। शुभ रंग सफेद, सफेद से संबंधित अन्य रंग केसरिया, हल्के लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल असेसमेंट के बाद 74% भाग्य आपका वर्ष पर्यंत साथ देगा। आपका दिन मंगलमय। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य आज आपको सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। खाली समय में दोस्तों के साथ किसी अहम मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। 2 चंद्रमा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, हानि होने की संभावना है। आज आपके तरफ नए लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। 3 बृहस्पति आज अपने परिवार, भाई बहन के साथ सुखद समय बीतेगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का काम करने वाले लोगों के लिए और छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर है। 4 राहु परिवार से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, आप अपनी बातों से खराब स्थिति को संभाल लेंगे। 5 बुध आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी, सेहत पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दफ्तर में या कारोबार पर इसका असर पड़ सकता है। कला संगीत में भी अपनी रुचि बढ़ाइए। 6 शुक्र घर की सजावट में बहुत ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, जमीन घर आदि से संबंधित आय स्रोत कम हो सकता है। 7 केतु बहुत संभव है कि आपका विवाह का प्रस्ताव आने वाला है, राजनीतिक कार्यों में प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। 8 शनि आज का दिन प्रगति के लिए अनुकूल है, संतान से खुशी की खबर मिलने वाली है, पॉजिटिव। 9 मंगल आज आप ऊर्जावान रहेंगे, सरकारी काम से जो रुके हुए थे आज वो संपन्न हो जाएंगे। आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं और बालों को गिरने की रफ्तार तेज हो गई है, आपके सिर पर गंजापन झलक रहा है। वैसे तो प्रदूषण की वजह से भी होता है, लेकिन क्या तमाम इलाज के बाद भी आपके सिर के बाल झड़ने बंद नहीं हो रहे हैं? दवाओं के साथ साथ ग्रहों का उपाय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान के सिर के बाल तभी झड़ते हैं जब कुंडली में लग्नेश कमजोर होते हैं। लग्न के स्वामी लग्नेश पर शनि की दृष्टि भी कंजापन लाती, बालों में सफेदी और बालों में रूखापन भी ग्रहों का अशुभ फल है। इसके लिए जरूरी है लग्नेश और सूर्य मजबूत हो, इसके लिए नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, साथ ही जल में गुड़ मिश्रित करके उदीयमान सूर्य को आज जल अर्पित कीजिए, क्योंकि जब सूर्य और लग्नेश मजबूत होंगे तो आपके बाल न केवल मजबूत होंगे बल्कि सुंदर भी होंगे। इसके साथ ही आपके चेहरे पर भी ग्लो आ जाएगा। तांबे के बर्तन में रात भर जल भर के रख दीजिए और सुबह उसे ग्रहण कीजिए, बालों से संबंधित कष्ट दूर हो जाएगा।